नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हुराशी। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत श्याम मित्र मंडल के समीप एक अनियंत्रित ऑटो इलेक्ट्रिकल दुकान में जा घुसी। घटना के बाद ऑटो चालकों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया, जिसे पुलिस हिरासत में ले लिया गया। बताया जा रहा है कि ऑटो में बिस्किट आदि सामान था। ऑटो मानगो से साक्ची की तरफ आ रहा था, जहां पर होम इलेक्ट्रिकल नामक दुकान में ऑटो अनियंत्रित होकर घुस गई। मौके पर कई बाइक खड़े थे, जो कि घटना में क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं घटना के बाद स्थानियों ने ऑटो चालक को पकड़ लिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले उसे कर दिया गया। वहीं पुलिस आगे की न्यायिक प्रक्रिया में जुट गई है। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के अंतर्गत सुप्रसिद्ध झारखंड धाम में मंगलवार को महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव के दर्शन कर जलाभिषेक करने झारखंड राज्य सहित बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से शिव भक्तों ने बाबा झारखंड धाम आते हैं और पूजा अर्चना कर अपनी मन्नतों को मांगते हैं। छात्र विहीन झारखंड नाथ महादेव मंदिर की आस्था का केंद्र है झारखंड धाम में। संबंध में कहा जाता है कि प्राचीन समय में यह जंगल झाड़ से तीन और नदियों के प्राकृतिक मनोरम से घिरा हुआ था और बाबा झारखंड धाम के मुख्य शिव मंदिर छत विहीन है। यहां पर भक्तों के द्वारा कई बार छत लगाने की कोशिश की गई, लेकिन सफल नहीं हो पाए। वर्तमान में सैकड़ों धरनाथी बाबा के प्रांगण में शरण लेकर बाबा की भक्ति में लीन होकर पूजा अर्चना करते हैं और पुत्र प्राप्ति, रोग मुक्त, धन यश आदि की कामना भी करते हैं। भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने के कारण यहां पर हमेशा भक्तों की भीड़ उमड़ती है। प्रत्येक वर्ष झारखंड धाम में शिवरात्रि में दो दिवसीय मेले का आयोजन भी किया जाता है। मंदिरों को प्राकृतिक ढंग से सजाया जाता है। कोविड-19 की वजह से इस बार मेले का आयोजन स्थानीय प्रशासन के द्वारा प्रतिबंध रखा गया और पूजा अर्चना के दौरान प्रशासन मुस्तैदी के साथ दिखे। सरकारी योजनाएं कैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं, इसकी बानगी अगर देखनी हो तो गिरिडीह जिले के देवरी में देखने मिल सकती है। खासकर हम बात करें सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा की, तो इस योजना में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कैसे गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के रहने वाले रघुनंदन राय ने यह आरोप लगाया है कि उसे डोभा निर्माण के लिए एक योजना की स्वीकृति के लिए 5 से 10 हजार की मांग की गई। जब उसने इस राशि को देने का इनकार किया तो उसकी फाइल अधर में ही लटकी गई। रघुनंदन राय लगातार प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगाते रहे, लेकिन अब तक उनकी योजना स्वीकृत नहीं हो पाई है। रघुनंदन राय ने यह भी बात कही है कि जो लोग योजना की स्वीकृति के लिए मांगी गई घूस की रकम का भुगतान कर देते हैं, उनकी योजना स्वीकृत हो जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि देवरी प्रखंड में भ्रष्टाचार किस कदर हावी है। कहीं ना कहीं इसके लिए प्रखंड के कर्मचारी की संलिप्तता परोक्ष अपरोक्ष रूप से देखने को मिल रही है। क्या नाम है आपका? रघुनंदन राय। कहाँ घर हुआ? फतेहपुर। क्या दिक्कत है आपके साथ? भाई साहब, बिना पैसा लिए जो ऐसो कहीं रिकॉर्ड जो ऐसो लेता ही नहीं है। जो ऐसो डोभा हमको एक ठो करवाना है, हाँ। तो बिना पैसा लिए जो ऐसो वीडियो नहीं करने के लिए खोजता है। कौन पैसा मांगा? सब अधिकारी, जो ही अधिकारी के पास जाइएगा वही अधिकारी पैसा मांगता है। कितना एक डोभा कितना मांग रहा है? एक डोभा जो ऐसो 5 से 10 हजार तक मांग रहा है। आपसे कितना मांगा गया? हमसे जो ऐसो मांगा 15 हजार। 15 हजार रुपये? हाँ। कौन मांगा? मांगा जो है सो स्टाफ मांग रहा है। स्टाफ मांग रहा है ना। स्टाफ का नाम क्या है बताइए? क्या नाम है आपका? रघुनंदन राय। क्या समस्या आपके पास? डोभा जो है सो के लिए रिकॉर्ड तैयार कर रहे थे। डोभा रिकॉर्ड तैयार कर रहे थे, तो उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत है जो है सो हर जगह से साइन हो गया, वीडियो के पास जब गए तो कहता है डायरेक्ट हम नहीं लेंगे, जो है सो बीपीओ चाहे रोजगार सेवक को दीजिए। तो आप बीपीओ के पास जाके मिले? बीपीओ के पास जो है सो मिले, बोलता है कि बिना पैसे लिए नहीं होगा काम। वो खुद पैसा मांगा? हाँ। कितना मांग रहा था पैसा? वो कह रहा था कि जो है सो दीजिए, जो है सो हमको 5 हजार रुपया दीजिएगा तो हम करा देंगे। बीपीओ बोला? हाँ। क्या है बीपीओ का नाम जानते हैं? नहीं, नाम नहीं पता। कौन पंचायत का है? बेडोडी पंचायत। बेडोडी पंचायत का। हाँ। उपराजधानी दुमका के प्रसिद्ध शिव पहाड़ मंदिर में मंगलवार को महाशिवरात्रि पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं श्रद्धालुओं ने कतार में होकर जलार्पण किया। आपको बता दें कि 2 वर्ष कोरोना महामारी के बाद महाशिवरात्रि पर मंदिर में इतनी भीड़ उमड़ी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि शिवरात्रि पर काफी संख्या में शिव भक्त बाबा को जलार्पण करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।